आजकल मुए चूने वाले भी ऐसे चूने ही लगा जाते हैं। बहुत ही चालाक आदमी था ये। आप सलीम मियां के बारे में पूछ रही थी, वो अपने बारे में बता रहा था। वैसे वो सलीम मियां जैसा हो ही नहीं सकता। जानती हूँ जानती हूँ, उसकी बीवी की सहेली हमारी पड़ोसन है। हावर के बारे में एक एक बातें उसने मुझे बता दी थी, लेकिन इससे हमें क्या लेना देना। हमारे काम आएगा तो हमें कबूल है, वरना मिनटों में छुट्टी करा दूंगी। चलिए तो देख बाली, हमारे लिए चाय लाओ, मैं अभी लेकर आती। उठ गई साहबजादी, वक्त देखा है आपने? हाँ तो उठकर क्या करूं? करने का तो काम बहुत है, लेकिन आप क्यों करेंगी? आपको क्या भाई, मेरा तो यहाँ दिल नहीं लग रहा, मुझसे कुछ नहीं होगा। काम तो तुम्हें करना पड़ेगा और दिल भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा, इसके लिए जीना भी तो है। गुलशन से ही कुछ सीख लो, हालात से समझौता करके हमेशा हमारी मदद की उसने। अच्छा हुआ बेटा तुम आ गई। बैठो, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना है। बताएं अब्बा। खैर से वो अपनी जेबू है ना, अरे उसके लिए बड़ा अच्छा रिश्ता आया है, बड़े सुलझे हुए लोग हैं, लड़का खैर से पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है। अब्बा वो इतनी जल्दी क्या है, अभी तो हमारी जेबू पढ़ रही है ना, अभी तो कितने साल है उसकी पढ़ाई में। मैं जानता हूँ, पर वो इतने अच्छे लोग हैं बेटा, उन्होंने मुझसे वादा करके तसल्ली दी है मुझे, क्या बिल्कुल परेशान ना हो, हम जेबू की ना पढ़ाई मुकम्मल करवाएंगे, फिर मेरी रिटायरमेंट भी करीब है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि जितनी जल्दी इस आखिरी फर्ज से मुक्तश हो जाऊं तो अच्छा है, क्योंकि अब्बा मैंने भी आपसे एक बात करनी है। क्या बात है? अब्बा अम्मी की ख्वाहिश है और वसीम की भी, और फिर आप वसीम को तो जानते ही है ना, रोज आता है यहाँ पे आपसे पढ़ने के लिए, फिर आप मेरे ससुराल से भी वाकिफ हैं। और सलीम? अब्बा सलीम को मैं मना लूंगी ना। मना लूंगी क्या मतलब, क्या सलीम राजी नहीं है? असली बात तो वसीम और जेबू की है ना। नहीं नूर बेटा, देखो सलीम घर का बड़ा है, घर का सरबरा है, अगर वो इस रिश्ते से खुश नहीं है तो तुम्हारे लिए ऐसा सोचना मुनासिब नहीं है, आगे जाके मुश्किलात होंगी। अब्बा मैंने कहा है ना मैं सलीम को मना लूंगी, और वैसे भी मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जल्दी क्या है, इस तरह से हमारी जेबू की पढ़ाई भी हर्ज होगी और फिर वसीम की भी, आप तो जानते ही है ना वो कितना लग के पढ़ रहा है। अच्छा मुझे थोड़ा वक्त तो दो ना सोचने के लिए। आप सोचेंगे नहीं, आप बस मेरे कहने पे हाँ कहें। अरे अरे अरे, ऐसा लगता है जैसे तुम वसीम का रिश्ता लेकर आई हो। आप ऐसा ही समझ लीजिए। नहीं बेटा, जब तक सलीम मियां और उनके वालदा रिश्ता लेकर नहीं आएंगे ना, तब तक हाँ नहीं होगी। अलबत्ता इस दौरान मैं ये जरूर कर सकता हूँ कि जो ये रिश्ता आया उनसे या मोहलत मांग लूँ या उनसे माजत कर लूँ, मना करता। थैंक यू अब्बा, बस यही चाहती थी मैं। बस दुआ करो कि बस जो भी कुछ हो खैर से हो जाए। Thank you.
क्या बात है भाई, हम तुमसे मिलने आए हैं और आप तशरीफ लेकर जा रहे हैं। चल भाई ये बदल दे। ये क्या है? अबे वो जो गुलशन आरा और उसकी मुलाजमा है ना, वो आई थी तुम्हारी दुकान पे सामान लेने, तुम्हारे अफजल चाचा है ना, गलत सामान डाल दिया। ओहो, अफजल तो दुकान पे है ही नहीं, मैं बदल देता। हाँ बात सुन भाई, एक काम कर, सामान बदल दे और खुद पहुँचा के आ जा सामान। वो तेरी भतीजी है ना मुन्नी, उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना, चिकन पॉक्स हो गया उसको। यार मुझे खुद थोड़ी जल्दी थी, मंडी जाना। क्या बात कर रहा है भाई, मजबूरी है इसीलिए तुझे कह रहा हूँ यार, बच्ची को हॉस्पिटल लेकर जाना है। और बात सुन, ये सामान लेकर उनके घर जाएगा ना, तुझे बहुत खुशी होगी, बहुत अच्छे लोग हैं, मेरा काम भूलना मत कर देना। अच्छा ला, एड्रेस लिख देता हूँ मैं। ये ले भाई, ठीक है, चला हो जाएगा, हो जाएगा। क्यों रखे हुए तसीबे दुश्मना भाई, हुजूर का मूड कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं होता हमीद साहब। और हर वक्त का गुस्सा वो मजाक से ज्यादा खतरनाक होता है भाई। शुगर हो सकती है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, 100 बीमारियां 100 तरह की बीमारी हो सकती है। हाँ, आप तो यही चाहते हैं कि मैं बीमार हो जाऊं और आपकी जान छूट जाए। मैं अगर मुझसे पूछो ना बेगम, मैं तो चाहता हूं कि आप कभी गुस्सा ना करें, हमेशा तंदुरुस्त रहें। आपके घर के हालात ऐसे हैं कि मैं गुस्सा ना करूं? अरे भाई क्या हो गया, आपका दामाद किसी और लड़की के चक्करों में पड़ गया है। सूफिया ने खुद देखा उसे मोटर बाइक पे उसके साथ जाते हुए। ये तो बहुत बुरा हुआ। आप जाए और जाके उन लोगों से बात करें। क्या बात करूं? यही कि शरीफों के ये तौर तरीके नहीं होते। जब उन्होंने शराफत दिखाई तो आपने कौन सी उनकी बात मानी? बेटी को घर बिठाओगी ना तो कोई दूसरा जगह लेगा। अरे मेरी बेटी को नौकरानी बनाना चाहती थी उसकी सास। ठीक है, महारानी बनाओ अपने पास। यहाँ पता नहीं कैसे भाप है, आप अपनी बच्ची के लिए कुछ नहीं करेंगे। आप कुछ करने दे तब ना, आप तो अपनी बात मनवाना चाहती है, अपना हाथ ऊंचा रखना चाहती है। लेकिन एक बात याद रखना बेगम, इस तरह आप अपनी बेटी का घर तोड़ दोगी। झुकना सीखो शाहरा बेगम, झुकना सीखो और बेटी को भी झुकना सिखाओ। अच्छा ठीक है, अब आप मुझे नसीहतें ही करते रहेंगे या कुछ करेंगे अपनी बच्ची के लिए? ये हुई ना बात, मैं कुछ करता हूं, आप परेशान ना, बैठे आप बैठे, सब ठीक हो जाएगा। हाँ भी वो अंकल कुछ कह रहे थे जी? वो मैं कह रहा था कि आपने अंकल से बात की? हाँ की थी। तो फिर क्या कहा उन्होंने? कहने लगे भाई तुम्हारा देवर करता क्या है, ना तालीम मुकम्मल की है और ना ही कोई नौकरी है, तो मैं जेबू का रिश्ता उससे कैसे करा दूं। तो उन्होंने क्या मना कर दिया? सही समझो। अरे भाभी आप बैठे, आप मेरी वकालत तो करती, आप उन्हें बोलती मैं पढ़ रहा हूँ, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, कुछ तो कहती उन्हें। मोहलत लेकर आई, अब मान रखना मेरा, अच्छे से पढ़ के दिखाना। जरूर, मैं भाभी आपको कभी मायूस नहीं होने दूंगा। लेकिन वो भाई, अब उनसे मैं तुम्हारे रिजल्ट आने के बाद ही बात करूंगी। हाँ अब जाओ और जाके पढ़ो, मैं जा सकती हूँ? जी जी प्लीज प्लीज। भाभी 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 क्या हुआ? एक क्या हुआ? कुछ नहीं, चक्कर आ गए थे। अम्मा अम्मा, भाभी अभी बैठे, पानी लेके आता हूँ, ठीक है?
जी कौन? जी वो मैं। अरे सलीम मियां आप आइए आइए, जहर नसीब। जी वो ये सामान देने। बहुत बहुत शुक्रिया, बेहद नवाजिश। अंदर तशरीफ लाइए। नहीं जी बस मैं चलता हूँ, सामान देना था वो देखना। अरे ऐसे कैसे, अगर खानम बीबी को मालूम पड़ेगा कि आप आए थे और यूं ही दहलीज से वापस लौट गए तो हमारी खैर नहीं है। आप अंदर तशरीफ लाइए, आइए। अच्छा जी चले। तशरीफ रखिए आप। डॉक्टर साहब क्या हुआ है नूर को? आप बिल्कुल फिक्र ना करें, परेशानी की बिल्कुल बात नहीं है। परेशान? आप कह रही हैं परेशान, मेरी तो जान निकली हुई है। फिक्र की कोई बात नहीं है, बस कमजोरी की वजह से चक्कर आ गया था। देखा, तुमसे कहती हूँ खाया पिया करो, खाती नहीं कुछ। और सब ये आजकल की बच्चियां ना कुछ नहीं खाती, और ये तो खास तौर से आधी रोटी खाती है सिर्फ। अब आप इनकी बिल्कुल ना सुने, खूब खिलाए पिलाए इनको, खैर से आप दादी बनने वाली हैं। दादी? दादी कौन? मैं अरे बच्चा मैं सकते ना प्रभु। अरे डॉक्टर साहब के मुंह में घी शक्कर, ओह मेरा दिल खुश कर दिया आपने। अच्छा आप ले लें और जल्दी से दवाइयां मंगवा लें, इसमें कुछ सीरप है, विटामिन है। हाँ क्यों नहीं, जरूर अभी वसीम मानो मेरी आती। और तुम अपना बहुत ख्याल रखना। अम्मा सब खैरियत तो है ना? हाँ सब खैरियत है, ये लो दवाइयां लेके आओ जल्दी से जाओ। अरे अम्मा अगर सब खैरियत है तो दवाइयां क्यों लेके आऊं? सब ठीक है बुद्धू, तुम चाचा बनने वाले हो। हाँ और तुम पप्पो। सच अम्मा? आना अच्छा जाओ दवाइयां तो लेके आओ जल्दी से, फिर मैं सलीम को फोन करूँ जल्दी आ जाए दुकान से वापस। मैं यूं गया और यूं आया। चल मानो फोन लगा जल्दी। हाँ। कर थक गई। अम्मा बेल तो जा रही है भाई, उठा ही नहीं रहे, लग रहा है वो दुकान पे नहीं है। मैं क्या करूं उस बच्चे का, निकल गया अपने दोस्तों के साथ सैर सपाटे के लिए। घर में इतनी बड़ी खुशखबरी है और उसको खबर ही नहीं। इधर आप अभी तक खड़े, तशरीफ रखिए, ये लीजिए। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत? तकल्लुफ कैसा, इतनी गर्मी में जो आप आए हैं ये लीजिए। शुक्रिया। मैं बीबी जान को भेजती हूँ। खानम बीबी। हाँ सलीमिया तशरीफ लाए हैं। आगे सलीमिया बैठाया? हमने उन्हें बिठा दिया है। ठंडा वगैरह का पूछा? हमने उन्हें ठंडा शरबत दिया है। आप जाए हम आते हैं। जी अच्छा। कोई आया है क्या अम्मा? हाँ पहले हम परखेंगे देखेंगे फिर आपको मिलवाएंगे। वैसे भी इतना फजूल मोहल्ला है ये, फजूल सा इलाका, फजूल से लोग, कोई ढंग का बंदा यहाँ पे है ही नहीं। सलीम मियां आपका सामान लेकर आए। अच्छा सलीम साहब आए। होलिया तो दुरुस्त रखा करो गुलशन, बाल बनाओ हम मिलके आ रहे हैं। क्या खराबी मेरे हुलिये में, ठीक तो है? सलीम मियां। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ रखिए। कैसे मिजाज हैं आपके? जी बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत जहमत की आपने, क्या खुद चल के आप हमारे गरीब खाने पे तशरीफ लाए।
नहीं जी, ये तो छोटी सी बात है, इसमें क्या ज़हमत। नहीं, आपकी आला ज़र्फ़ी है सलीम मियां, वरना आजकल के मसरूफ दौर में किसके पास इतना वक्त के दूसरों के कामों के लिए सर्व करता। फिर आप तो शर्मिंदा कर रही हैं जी। वैसे खावर मियां सच कहते हैं, आदमी हीरा हैं आप। ओ जी खावर, बस वो तो ऐसी दोस्ती में तारीफें करता रहता है बस। और आजी इंकसारी भी आपके अंदर पाई जाती है। अच्छा ये बताएं कि कितने अरसे से इस मोहल्ले में रह रहे हैं आप? जी हम तो इस मोहल्ले के बहुत पुराने रहायशी हैं। अब्बा ने दुकान और घर को 1970 के शुरू में खरीद लिया था, पर कुछ गांव में जमीनें हैं तो जी मौसमी फसलें और आमदनी हो जाती थोड़ी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपके रिस्क में और बरकत डाले। जी शुक्रिया, मैं चलता हूँ। अरे कहाँ, चाय तैयार हो रही है, वो कौन पिएगा? चाय? जी जी, मैं देख कर आती हूँ कि गुलशन ने इतनी देर क्यों लगा दी। तशरीफ रखे सही है। क्या हो रहा है इधर? सलीम भाई, सलीम भाई। अदर सही, निम्बाव तो नहीं आया? कहाँ गए वो? पता नहीं किधर गए। अच्छा, जरूर सामान लेने गए हमें दुकान के लिए। जब भी वो आए ना तो उन्हें कहिएगा कि अम्मा उन्हें बुला रही थी, जल्दी घर पर आ जाए। खैरियत तो है ना बेटा? जी चाचा खैरियत, अल्लाह तुम्हें इसी तरह खुश रखे। अम्मा भाई, हम केबल कब लगवाएंगे? वह खराब हो गया क्या? सलीम ने अगर सुन लिया ना तो मेरा भी हिसाब कर देगा और तुम्हारा भी। अम्मा आप तो बस हर वक्त मुझे भाई से डराती रहा करें। मानो बड़ी जबान चलने लगी है तुम्हारी, और तुम्हारी भाभी को वहाँ जाकर तुम्हारा फिल्म देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। अम्मा मैंने भाभी से बात कर ली थी। झूठ, बात नहीं की थी, बात को गोलमोल कर दिया। अम्मा मैं कोई हर वक्त फिल्म नहीं देखती हूँ, और वैसे भी कभी कभी तो जाती हूँ, अपने पुराने स्कूल के दोस्तों को याद करती हूँ, और हाँ अपने स्कूल के अच्छे अच्छे दिन भी याद करती हूँ। वो तो कभी नहीं आती हमारे यहाँ, तुम ही घुसी रहती हो उनमें। ओफो अम्मा, 10 दिन में एक ही बार तो जाती हूँ। जो कुछ भी करती हो, जितने दिन भी जाती हो कम कर दो, बल्कि बिल्कुल ही खत्म कर दो। जेब जी, क्या बात है? तुम खाना नहीं खा रही हो, सब खैरियत से? कोई परेशानी तो नहीं? जी नहीं, तो मैं खा तो रही हूँ। तो ये नहीं है, अब आप अपने बाबा से, अब्बा से झूठ भी बोलने लगी। देखो बेटा, मेरी हमेशा पूरी कोशिश रही है कि तुम उनकी तालीम और तरबियत और परवरिश में किसी किस्म की कोई कसर ना छोड़ो। ईमान की बात यह है कि मैंने तो अपनी हैसियत से, अपनी इस्तेदाद से बढ़कर हमेशा ये चाहा कि तुम्हें इस घर में कभी किसी चीज की कोई कमी ना महसूस हो, और अगर ऐसा मैंने किया तो कोई बड़ा ऐसा नहीं किया, बाइशिद बाप की मेरा फर्ज था। और इससे हट के मेरी यही कोशिश भी रही है, ख्वाहिश भी रही है कि हम सब में इतनी बेतकल्लुफाना रिलेशनशिप हो, क्लोजनेस हो, कि हम बिना झिझक एक दूसरे से अपने दिल की बात कह सकें, शेयर कर सकें। इसलिए तुम अपने बात को कभी गलत मत समझना। अब्बा आप ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हैं? मैं सब जानती हूँ। मुझे पता है कि
तुम जानती हो कि वसीम ने तुम्हारी बहन नूर से तुम्हारे रिश्ते की बात की है, जानती हो ना? जी अब्बा। मुझे ये बताओ बेटा कि वाकई तुम वसीम को पसंद करती हो? नहीं अब्बा, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। इधर देखो मेरी तरफ और अब बताओ बेटा, किसी को पसंद करना बुरी बात नहीं, जहां तक मैं जानता हूं वसीम अच्छा लड़का है, क्योंकि अगर वो अच्छा ना होता तो नूर से जब उसने तुमसे शादी की ख्वाहिश का इजहार किया था ना, तो उसको फौरन मना कर दी थी, रोक दी थी। उस घर में रहती, उस घर की बहू है, तो क्या वो अपने देवर को नहीं जानती? उसको जानती है। बेटा ऐसे मामलात में होता यह है कि लड़के वालों के घर के जो बड़े होते हैं, इनकी वालदा हयात है खैर से, उनको चाहिए कि वो इज्जत के साथ हमारे घर आएं और अपने बेटे वसीम के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगे, फिर देखेंगे। तो मैं, मेरी किसी बात पर इतराज तो नहीं है ना? तुम्हें ये तो नहीं लगता कि तुम्हारा बाप कोई गलत बात कह रहा है? अब्बा, आप जो भी फैसला करेंगे मुझे अपने साथ पाएंगे। खुश रहो, मुझे अपनी सब बेटियों पर बहुत फख्र है। चला तुम्हारा नसीब ऐसे करे तो सब खुश हो। चल अब खाना खाओ, खाओ खाशा बस, बहुत मजे का बनाया है तुमने। सलीम आने वाले हैं दुकान से, आप ही बिल्कुल ठीक कहती हैं, मैं ही बुद्धू हूँ, इतनी अहम बात अभी तक सलीम से नहीं कर सकी, आज तो ये खुशखबरी इन्हें ज़रूर दूंगी। अब ज़रूर सलीम का रवैया और मिजाज बदल जाएगा, हालात की खुशी और नेमत इंसान को तब्दील कर देती है। आज बहुत देर करती है, ये दोस्त कब सलीम का पीछा छोड़ेंगे? आदाब जी। आदाब, आप प्लीज बैठिए ना जी। वैसे मेरा सामान तो लेकर आ गए थे ना? जी जी, वो मैंने दे दिया था आपके घर में, आप चेक कर लीजिए। चेक करने की क्या जरूरत है, जब आप लेकर आए तो ठीक ही होगा। आप चाय में चीनी कितने चमचे लेते हैं आप? जी दो चम्मच। कमाल है, मैं भी चाय में दो चमचे ही चीनी लेती हूँ। अच्छा, वैसे मेरा नाम गुलशन आ रहा है। मैं ये सलीम, सलीम आता। चाय? हाँ जी। बहुत खूबसूरत नाम है आपका। वो पुराने जमाने में कौन होते थे? शहजादा सलीम। जी जी जी। वैसे आपको
तारीख में मुगलिया दौर से दिलचस्पी है या नहीं? नहीं जी, कुछ खास नहीं। वैसे मैंने तारीख में एमए किया है। पता है मुझे पुराने लोग, पुराने ख्यालात, पुरानी कदीम इमारात, इन सब में बहुत दिलचस्पी है। इन तमाम चीजों में एक अजीब सा हुस्न है। बिल्कुल दुरुस्त कहा। वैसे मैं हर किसी से इतनी बातें नहीं करती। मैं बातें सिर्फ उन्हीं लोगों से करती हूँ जिनसे मेरी जहनी हमाहंगी होती है। और आपको देख के तो लगता है कि मेरी और आपकी खूब जमेगी। मैं तो जी आम सा बंदा हूँ। आप आम से बंदे बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप तो बहुत खास है। और आपके चेहरे पे जो ये मासूमियत है ना, वो हमें बहुत अच्छी लगती है। चाय पीजिए ना। जी जी जी। वैसे आपको पता है हमारे यूनिवर्सिटी के दौर में एक प्रोफेसर साहब होते थे, बिल्कुल आपकी शक्ल की। जब आप घर में आ रहे थे तो मुझे लगा कि प्रोफेसर उबैद आ गए। वैसे आपकी तालीम मैं गेस करती हूँ कम अज कम एमए तो जरूर होंगे आप। और वैसे भी आपकी शक्ल देख के तो यही लगता है कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं। आप ही, आपको अम्मी जान बुला रही हैं। ये मेरी छोटी बहन है। आदाब। जी आदाब। आप ही अम्मी जान, खाना बनाने में आपकी कुछ मदद चाहती है। जरा जाइए देख लीजिए। तो क्या हम मेहमानों को इस तरह अकेला छोड़ के चले जाएं? और नहीं जी, मैं तो बस वैसे ही जा रहा था। अरे नहीं नहीं सलीम भाई, आपके लिए तो अम्मी स्पेशली जाफरानी पुलाव, नरगिसी कोफ्ते बना रही हैं, खुद अपने हाथों से खाकर जाइएगा। मेरे लिए? एक बात बताओ कि सोफिया को कुछ हुआ है क्या? हाँ, आज जब हम बाजार गए थे तो नासिर भाई को किसी लड़की के साथ देख लिया था। तब से बहुत परेशान है बेचारी। परेशानी वाली बात तो है ना। अदनान, आप अम्मी को क्यों नहीं समझाते कि वो सोफिया को घर वापस जाने दे? उसके यहाँ होने से ही तो नासिर भाई इन हरकतों में पड़ रहे हैं। मैं क्या समझाऊं अम्मी को यार, हमेशा अपनी मनमानी तो करती है वो। और एक बात बताओ मुझे, ये सोफिया को इन हालात में घर भेजना क्या मुनासिब होगा? हाँ बिल्कुल मुनासिब रहेगा, बिल्कुल ठीक रहेगा। देखिए अदनान, अगर सोफिया घर वापस चली जाएगी तो वो नासिर भाई को समझा सकती है, मना कर सकती है। उसके यहाँ रहने की वजह से ही तो वो इन हरकतों में पड़ रहे हैं। बात बताऊं तुम्हें, जो मर्द दूसरी औरत के चक्कर में पड़ना चाहता है ना, वो बीवी के सर पे होने के बावजूद दूसरी औरत के चक्कर में पड़ जाता है। लेकिन अच्छी और समझदार बीवियां अपने शौहरों को इस दलदल में जाने से रोक लेती हैं, कभी अपनी अकलमंदी से और कभी अपनी मोहब्बत से। जैसे कि तुम्हारी मोहब्बत मुझे दूसरी तरफ देखने ही नहीं देती। अच्छा मेरी बात छोड़ें, सोफिया की बात करें। पता है अदनान, मुझे तो अब उस पर तरस आने लगा है, कहीं देर ना हो जाए। अरे सलीम भाई, ये नरगिसी कोफ्ते तो आपने लिए ही नहीं, लीजिए ना, आप अजान बहुत अच्छे बनाती हैं। क्या नगमा, अब खाना इतना भी अच्छा नहीं बना क्या? खा के बताइए ना सलीम। आज तो खाने का लुत्फ आ गया सलीम मियां, अच्छे और बासौक लोगों की सोबत बहुत खुशगवार होती है। सच कहा अम्मी जान आप, अगर आप तो कुछ ले ही नहीं रहे, लीजिए ना,
क्या आपको खाना पसंद नहीं आया? नहीं जी, हर चीज बहुत मजे की बनी है। कमिश्नर साहब जिंदा थे ना, तो हम अपने हाथों से खुद उनके लिए खाना बनाते थे, लेकिन उनके जाने के बाद से दिल मुरझा सा गया था। लेकिन आज अचानक दिल ने कहा कि कुछ अच्छा बनाया जाए। खाला जान, आपने बहुत तकल्लुफ कर। अरे खाला जान भी कह रहे हैं और तकल्लुफ की बात भी कर रहे हैं आप। वैसे सलीम मियां, आपकी शक्ल में हमें एक अपना अजीज मिल गया है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप अम्मी जान। जब से आपसे मुलाकात हुई ऐसा लगता है कि आपसे हमारी बरसों की शनास आई है। सच पूछे वक्त गुजरने का अंदाजा ही नहीं हुआ, आपसे पहली मर्तबा मुलाकात हो रही है, पता ही नहीं लगला। क्यों गुलशन? अम्मी जान आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इनसे मिलके ऐसा लगता है कि इनसे हमारी बरसों की शनास आई है। ओ नहीं जी, वो तो आप लोगों की मोहब्बत है, वरना मैं इस काबिल कहाँ जी। अब सलीम भाई आप आते जाते रहिएगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। बल्कि आप ऐसा कीजिए ना, ये मेरा कार्ड रख लीजिए, किसी भी चीज की जरूरत हो बस एक फोन कर दीजिएगा, सारा सामान घर के दरवाजे के बाहर। आपने तो हम लोगों का दिल जीत लिया है, बहुत बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफिज। वालेकुम सलाम। सुनिए, खाना लगा दूं आपके लिए? नहीं। आप खा के आए? हाँ। मैंने तो आपके इंतजार में खाना नहीं खाया। क्या जरूरत थी भूखा रहने की तुम्हें? तुम्हें पता तो है मैं दोस्तों के साथ चला जाता हूँ, बिलावजा की जज्बाती है। क्या बनाया था वैसे? आपका पसंदीदा हलीम। हलीम जी, वो दालों का मलगूबा, पता है मैं क्या खा क्या? ज़ाफ़रानी पुलाव, नरगिसी कोफ्ते, रशियन सलाद, कावा, अंदर तक रच बस गया। हलीम बना के बैठिए। मेरा तो ख्याल था कि आपको हलीम बहुत पसंद है। मुझे नहीं खाना, तुमने खाना तो खा लो। आप कब अपनी आदतें बदलेंगे? जूतों समेत ही आप बिस्तर पे लेट जाते हैं, दांत नहीं ब्रश करते, नमाज नहीं पढ़ते। जब तुम मेरी उस्तानी बनना बंद करोगी। मैंने आपसे एक बात करनी है। भाई मुझे तुमसे इस पर कोई बात नहीं करनी। मगर सलीम, नूर जहां खुदा का वास्ता है, थका हुआ हूँ, सारा दिन दुकान पर खपता रहता हूँ, घर आके मुझसे तुम्हारी नसीहतें, फरमाइशें, तकरीरें नहीं सुनी जाती। लाइट बंद करो, सोने दो मुझे। सलीम, मैंने आपको कुछ बताना था, मैंने आपसे कल भी कहा था। क्या बताना है?
तुम बता भी क्या सकती हो, बिजली का बिल आ गया है, किचन मरम्मत करा दें, घर का पेंट करा दें, अम्मा की दवाई लानी है, वसीम की किताबों के लिए पैसे चाहिए हैं, और मानो के लिए कपड़े लेने हैं, सौदा खरीदना है, मुर्गी महंगी हो गई है, गोश्त ला दें, और क्या बात करनी है, इन्हीं में से कोई बात करनी होगी ना तुमने। इन फजूल बातों के लिए ना मेरे पास वक्त है और ना दिमाग। नहीं, इनमें से कोई भी बात नहीं है। बात दरअसल ये है कि वो सुनो, जल्दी से मेरा नाश्ता बना दो, मुझे दुकान जल्दी खोलनी है, आज मंडी से माल आ रहा है, सारा हिसाब किताब करना है। वो वसीम को तो तुमने पढ़ने लगा दिया है, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है, ठीक है ना, तो इसलिए जरा जल्दी करो। हाँ पर वो जाओ ना, खड़ी क्या हो, नाश्ता बनाओ मेरा, जाओ।